उत्तराखंड खबरसार में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लाए हैं बीते सप्ताह की तीन बड़ी खबरों का सार। पहली खबर, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास कर रही सरकार से जुड़ी है। दूसरी खबर, पिघलते हिमालय से जुड़ी चिंताओं को लेकर है। और तीसरी खबर, विकास योजनाओं के प्रति बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर है। इससे पहले हम विस्तार से इन खबरों के बारे में बात करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर भी करें। पहली खबर है कि उत्तराखंड सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से समझौता किया है जिसका नाम मैकेंजी ग्लोबल है। इसका मकसद अगले 5 साल में राज्य की जीडीपी को दोगुना करना है, जो अभी 7.05% है। अमर उजाला में छपी खबर के मुताबिक यह कंपनी राज्य में उन सेक्टरों का पता लगाएगी जिनमें तरक्की की जा सकती है। यही कंपनी देश विदेश की कंपनियों से बात करके राज्य में निवेश के लिए भी तैयार करेगी। यह कंपनी राज्य में फसलों और उत्पादों की पैदावार में वृद्धि के प्रयास करेगी और निर्यात का रास्ता भी बताएगी। मैकेंजी ग्लोबल को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है। वियतनाम में कंपनी ने चावल, कॉफ़ी, केला, मशरूम पर काम किया है। इन उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया, पैदावार बढ़ाई और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार उपलब्ध कराया। इससे वियतनाम में आर्थिक सुधार हुआ। यह कंपनी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए न्यू टाउनशिप, पर्यटन, उद्यान, ऊर्जा, आयुष, योग, वेलनेस, टूरिज्म, आईटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री समेत कई अन्य क्षेत्रों में काम कर सकती है। फौरी तौर पर सरकार का यह प्रयास अच्छा लग रहा है, लेकिन मैकेंजी को भारत के किसी राज्य में काम करने का अनुभव नहीं है। ऐसे में यह मान लेना कि कंपनी अपने प्रयासों में सफल रहेगी थोड़ा जल्दबाजी भरा लगता है। कंपनी के पास भारत के किसी पहाड़ी राज्य के बारे में कोई अनुभव होता तो शायद फायदेमंद होता। इसके अलावा एजेंसी को भारत में कामकाज की संस्कृति का अनुभव होना चाहिए। दरअसल राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए हमें बाहर से कुछ सीखने की बजाय केवल अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाना चाहिए। दूसरी खबर है कि स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन SDC की ओर से एक बैठक की गई, जिसमें कहा गया कि जिस तेजी से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसके चलते आने वाले सालों में पानी का संकट बढ़ सकता है, क्योंकि देश में पानी की उपलब्धता का सबसे बड़ा स्रोत हिमालय है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण इसके ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, इसलिए अभी से ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे समय रहते इस संकट से निपटा जा सके। तीसरी खबर है कि केंद्र सरकार की योजना अमृत की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR में स्थानीय इंजीनियरों ने गड़बड़ कर दी। अपर मुख्य सचिव ने इस पर नाराजगी जताते हुए DPR लौटा दी है। अब लापरवाही से प्रस्ताव बनाने वाले इंजीनियरों पर कार्रवाई की जाएगी। यह केवल लापरवाही या भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, बल्कि इससे यह पता चलता है कि विकास परियोजनाओं
के प्रति स्थानीय अधिकारियों का नज़रिया क्या है, और यही वजह है कि चाहे जितनी नीतियां बन जाएं, कितनी योजनाएं, परियोजनाएं बन जाएं, लेकिन जब तक निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों की सोच नहीं बदलेगी, तब तक इन योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाएगा। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारा यह चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स रखना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार खबरसार में।